तिस्ता त्रासदी के बाद सिक्किम के पर्यटन क्षेत्र को दोबारा पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में खेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण सिक्किम के नामथांग रातायपानी विधानसभा क्षेत्र के मामरिंग में रिवर राफ्टिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। मंत्री और स्थानीय विधायक संजीत खारे ने इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्य सरकार ने राजनीतिक सचिव जैकब खालिंग भी मौजूद रहे। रिवर राफ्टिंग समरदुंग से लिंक हिमातार के बीच 6 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। नामथांग टूरिज्म प्रकोष्ठा की ओर से इसकी पहल की गई है, जिससे कि क्षेत्र में खेल पर्यटन को बढ़ावा के साथ साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। मौके पर मंत्री खारे ने कहा कि इस तहत गतिविधियों से इलाके में कम से कम 300 युवाओं को रोजगार मिलेगा। सर्वप्रथम तो मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान पीएस गोयल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और विशेष हम लोग का जो युवा प्रकोष्ठ जो टूरिज्म सेक्टर में है वो लोग ने आज से शुरू किया है और हम लोग मिलकर कर रहे हैं और अभी तक 200-300 आदमी हम लोग के साथ है। बाद में हम लोग का भविष्य में हम लोग 1000 तक लेने के लिए सोच रहा हूँ, सो दैट एम्प्लॉयमेंट कैन बी जेनरेटेड। मामरिंग से कहाँ तक होगा? मामरिंग से लेके थलथली और लिंगहिम टार लगभग यहाँ से 6-7 किलोमीटर का दूरी है। और मैं एजुकेशन करना चाहता हूँ, जो भी टूरिस्ट आते हैं तो वो लोग को यहाँ से रिवर राफ्टिंग में जाने के लिए और वहाँ पर गाड़ी रखे, वहाँ से फिर गाड़ी से आप लोग सिलगुड़ी जा सकते हैं। या देखा कि लेडीज लोग भी बहुत सारे राफ्टर है और यहाँ की कोई ट्रेनिंग कराने की कोई आप लोग सोच रहे हैं? ट्रेनिंग में जा रहा है, अभी तो हम लोग ने शुरुआत किया है और हम लोग भेजेंगे ट्रेनिंग में, इसके लिए हम लोग तैयार है और हम लोग का लोकल ही है जो ट्रेनिंग कराएंगे क्योंकि दे आर एक्सपर्ट इन दिस बिजनेस। इससे यहाँ के जो टूरिज्म सेक्टर में कितना इसका प्रभाव होगा? ये तो होना ही है क्योंकि आज तक 25 ईयर्स से लेकर आज तक कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर टूरिज्म में, जीरो था। लेकिन हम लोग ने शुरू किया है, अभी 1 साल हुआ है। हम लोग के पास अभी साइकिलिंग भी है, हम लोग के पास अभी जो स्टैचू वगैरह जो भी लाए हैं हम लोग लाए हैं और हम लोग एक तो जंगल में वॉकवे भी बना रहा है। तो अभी रिवर राफ्टिंग शुरू किया है, ये तो काफ़ी अच्छा जगह भी है, यहाँ अच्छा जगह है, मामरिंग में अच्छा जगह है, लिंगखिम में अच्छा जगह है और थलथले में भी अच्छा जगह है। हम लोग का स्पेस बहुत है, कम से कम एक ग्राउंड कम से कम 3 हेक्टर ऑफ लैंड जैसा है, खाली लैंड है। तो हम लोग सोच रहा है अब इसी में ध्यान देने के लिए क्योंकि हर जगह सबको नौकरी नहीं मिलता है, तो इसलिए ये सेक्टर हम लोग अब कोशिश करेंगे। अभी को जो इस रिवर का जो लेवल है अभी के लिए एकदम सेफ है, उतना रिस्की नहीं है। इसमें अभी 14 साल के बच्चे से ऊपर और ये 50-60 ईयर्स तक का कोई भी चढ़ सकता है आराम से, स्टूडेंट फैमिली ग्रुप भी आराम से यहाँ पे चढ़ सकता है। यहाँ से लिंगखिम टार का करीब 6 किलोमीटर होगा, 6-7 किलोमीटर होगा। अभी तो सेफ ही है, अभी तो पानी बहुत कम हो गया है, ऐसा रिस्क नहीं है। अभी अप्रैल मई से थोड़ा देखना पड़ेगा कि रिवर का लेवल क्या रहेगा, फिर आने वाले दिन इसका हर एक दिन इसका रूट चेंज हो रहा है अभी भी, लेकिन उतना रिस्क नहीं है।